नीतिवचन अध्याय एक। नीतिवचन अध्याय एक। दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीतिवचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए और भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीतिवचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे कि हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को पूर्ति करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है कि हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे और हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाए तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेति में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बय किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया, उन्होंने मेरी सम्मति न चाहे वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके के सुख से रहेगा।